वही नीट परीक्षा में हुए भ्रष्टाचार और धांधली को लेकर कांग्रेस पार्टी देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। भिंड में भी कांग्रेस जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। यह धरना प्रदर्शन गोल मार्केट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास किया गया, जिसमें कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, पार्टी अधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। भिंड कांग्रेस जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा ने कहा कि नीट सहित देश में कई परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा हुआ है और सरकार की ओर से दोषियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। जब तक नीट परीक्षा सहित अन्य परीक्षाओं के परीक्षार्थियों को न्याय नहीं मिलता, तब तक कांग्रेस पार्टी न्याय दिलाने के संघर्ष करेगी। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से जो नीट परीक्षा में जो अनियमितताएं हुई है, लाखों की संख्या में जो छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करने का काम किया गया है और जिस पर भारतीय जनता पार्टी अपनी चुप्पी साधे हुई है, निश्चित तौर पर इससे एक बात तो स्पष्ट है कि इन सब जो अनियमितताएं और भ्रष्टाचार जो हो रहा है परीक्षाओं के माध्यम से, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। लगातार देश के युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ हो रही है और आप कोई ऐसा कानून लेकर नहीं आ पाए देश में जिससे ऐसे कृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सके। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि जो देश के युवाओं के साथ, आने वाले भविष्य के साथ, छात्रों के साथ जो परीक्षाओं में जो अनियमितताएं हो रही हैं, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इन सब के उनके बच्चों के भविष्य को देखते हुए कांग्रेस पार्टी अब रोड़ों पर उतरकर उनके न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करेगी और जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता, हम लोगों का धरना प्रदर्शन इसी प्रकार से जारी रहेगा। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय जीतू पटवारी जी और प्रदेश के तमाम नेताओं के नेतृत्व में हम सब लोग छात्रों के न्याय की लड़ाई इस प्रकार से लड़ते रहेंगे।